तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ओरछा के महल के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में बने रहें अंत तक, आपको हम बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के ओरछा के किले के बारे में। तो गाइस मेरा नाम है लक्ष्मण प्रसाद और आप देख रहे हैं एलपी गाइड। तो चलो दोस्तों बताते हैं मध्य प्रदेश के ओरछा शहर का एक खूबसूरत महल। तो गाइस जैसे कि इस महल में राजा महाराजाओं के कुछ आज भी ऐसे होने का एहसास होता है जैसा आप देख रहे हैं। यह महल काफ़ी बड़ा और भव्य और बहुत ही सुंदर है। तो गाइस एक बार तो आपको इस महल में ज़रूर जाके देखना चाहिए, क्योंकि गाइस इस महल में किसी भी प्रकार का सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। यह पूरा महल चूना पत्थर इत्यादि से बना हुआ है और यहाँ पर गाइस टूरिस्ट गाइडों की भीड़ हमेशा लगी रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर गाइस काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट देश विदेश से काफ़ी इस महल को घूमने आते हैं, जो कि किला बहुत बड़ा किला है, अपनी कल्पना से भी अधिक बड़ा महल है ये। तो मैं बता नहीं सकता, इसकी सुंदरता आज भी वैसे की वैसे कायम है। और गाइस ये करीबन 400-500 साल पुराना किला है, जो कि आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस किले के जितने भी कुल शेष भाग हैं तो मैं आगे आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो गाइस आप एक बार तो इस किले में जाइए। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर राम मंदिर है, जो कि ओरछा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है एमपी में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक बार यहाँ जाके इस किले का ज़रूर देखेंगे और इस किले में जो आनंद आपको मिलेगा तो उसकी अनुभूति आप जरूर करेंगे। तो गाइस मैं चलता हूँ किले के ऊपर और वहाँ से भी दिखाता हूँ आपको कि किले का शेष भाग कैसा दिखता है। यहाँ पर कुछ खिड़कियाँ वगैरह भी हैं जो कि बाहर का पूरा ओरछा शहर को दिखाता है गाइस। और आप लोग कभी समय मिले तो ओरछा के इन महलों में ज़रूर जाएं। और यहाँ के महल बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य हैं। और गाइस मैं इसके ऊपर भी आपको जाके दिखाऊँगा और कुछ वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि इन महलों के अंदर किस प्रकार के किले होते थे, किस प्रकार के घर होते हैं। तो गाइस अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद हो आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह की वीडियो बनाने का। तो गाइस आप देख रहे हैं कि ये सारा जो किला का बाहरी अंदर कमरे हैं, इनमें जो खिड़कियाँ हैं वहाँ पर ये सब कुछ सीधा दिखाया गया है इस वीडियो के माध्यम से कि वाओ रानी महल है जो कि आप सामने देख रहे हैं। तो गाइस यह बिल्कुल जस्ट सामने ही बना है राजाओं के किला में। तो गाइस अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी तरह की वीडियो बनाने का। जय हिंद जय भारत।